कोई भी चीज़ जो कि कुछ ऑक्यूपाई करती है स्पेस और जिसके पास कुछ मास होता है उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर के तीन स्टेट आपने जिनके बारे में पढ़ा भी है और आप उन्हें अपनी डेली लाइफ में कई बार देखते हैं, जो कि हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का एग्जांपल देखने को हमें मिलता है बहुत अच्छे से आइस में, फिर जब उसे हीट करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट होता है, जो कि लिक्विड का एग्जांपल। जब और हीट करते हैं तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, जो कि गैस का एग्जांपल। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि मैटर के तीन के अलावा भी कोई स्टेट होते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ। आज के वीडियो में आपको बताने हूँ मैटर का फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो कि है प्लाज्मा। जब आप किसी गैस को बहुत ही कम लो प्रेशर प्रोवाइड करते हो और हाई टेम्परेचर देते हो तो वो गैस आयोनाइज हो जाती है, आयन्स में कन्वर्ट होती है और हाई स्पीड से एक दूसरे से टकराने लगती है, जिसकी वजह से वो ग्लो करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको सन में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर तो ज़्यादा होता है लेकिन प्रेशर बहुत कम होता है। फिर आता है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो कि है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको हम लिखते हैं BEC, इसके शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसमें जब आप किसी गैस को बहुत ही लो डेंसिटी देते हो और बहुत ही कम टेम्परेचर, मतलब जीरो डिग्री मतलब कि -273.15 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हो, तो वो क्या करता है कि वो उस गैस को सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट कर देता है, रेजिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म कर देता है और उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जिससे कि जब आप उसे किसी अगर कंटेनर में डालते हो तो वो उससे भी पास कर सकता है। काफ़ी अमेजिंग है ना दोस्तों ये फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा स्टेट ऑफ मैटर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे तो फिफ्थ लगा है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।